एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित तो व्हाइट हाउस सभागार में ई रिक्शा चलाने वाले चालकों के आंख परीक्षण एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में चालकों ने प्रतिभाग कर अपने आंख का परीक्षण कराया। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना ज्यादातर चालक के अस्वस्थ होने के कारण से होता है, इसलिए यातायात पुलिस समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती रहती है, जिसको देखते हुए पुलिस लाइन में ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों के लिए निशुल्क नेत्र परीक्षण केंद्र का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाने वाले या ऑटो चलाने वाले चालकों का शरीर स्वस्थ और आंखें स्वस्थ रहेंगी तो सड़क दुर्घटना में कमी आएगी, तथा चालकों को यातायात नियमों तथा मैपल ऐप के बारे में भी बताया गया और सभी चालकों से अपील किया गया कि यातायात के इस माह के मुहिम में सभी चालक साथ दे, ताकि गोरखपुर को सुरक्षित यातायात बड़ा शहर बनाया जा सके। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित ऑटो चालक एवं डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अरे गुनाह तो बहुत बड़ी है, नए युग का लड़का है, बताइए अभी से आपका उम्र 32 मोबाइल नंबर भैया इधर आइए। तीसरी वाली लाइन दिख रही है, ये दिख रहा आपको? हाँ वो तो है, मित्र ने मित्र का सहयोग किया तो कैसा किया पता भी नहीं चला। आप लोग भी जब सड़क उतरते हो तो कभी कभी एहसास होता है भगवान बचा दिए, बहुत छोटा सा अगर गाड़ी टकरा गई, बस इतने बचा था, नहीं तो गाड़ी टकरा जाती, बड़ा मतलब तो उस समय भगवान याद आते हैं, तब वो जो लिखा रहता है नगर निगम लिखवाता है ना, पुनः आइएगा, आपकी यात्रा सफल सुखद मंगलकारी हो, तब सार्थक होगी। जब चालक परिवार एक दूसरे की मनोभावना को जानेंगे, पहचानेंगे, सड़क
सड़क पे जितने चिन्ह बने हैं उन चिन्हों का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं कौन ड्राइवर बताएगा, चालक कौन बताएगा, चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं। सड़क पे उतरो तो जानो कि ये ब्लैक बोर्ड क्या कह रहा है। जो गोले चक्र में रेड उस पे लिखा रहता है वो आदेशात्मक चिन्ह होता है। हमसे लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम लोग मिलकर ट्रैफिक पुलिस मिलकर ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर्स मिलकर उनके मालिक मिलकर और सभी नागरिक मिलकर उन सब का व्यवहार आचरण कार्य और सड़क के रूल्स को जो वो ट्रैफिक रूल्स को सिग्नल को फॉलो करते हैं वो अपने आप में किसी एक आँख की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आँख नहीं है तो कुछ नहीं है, हम दुनिया देख ही नहीं सकते। इसीलिए आपके ये निःशुल्क कैंप लगाया जाता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो आगे चल के बड़ा रूप ले सके तो उसका पहले प्राइमरी स्टेज में ही पता चल जाए, आपको डॉक्टर साहब लोगों से अस्पताल में जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़े। इसलिए शहर के बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे बुलाते हैं और आगे भी बुलाते रहेंगे। भीड़ मत लगाइए, समय और पुलिस की पहल पे गोरखपुर के नागरिकों के लिए आप लोग इतना अच्छा करते रहते हैं। थैंक यू गंगा माई हॉस्पिटल के लिए। कैंपियरगंज होता है रोड रोड पे सब सब कुछ चल रहा है, सब लोग सेफ रहेंगे, ये लोग सही चलाएंगे, सब लोग सेफ रहेंगे। पुलिस लाइन गोरखपुर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए निशुल्क नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया है। अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ हैं और हम यातायात नियमों को मानते हैं तो हम अच्छे से सड़क पे ड्राइविंग करके दुर्घटना रहित शहर के लिए माहौल उपलब्ध कराएंगे। इसमें IMA के सहयोग से संगम आई हॉस्पिटल, मित्तल आई हॉस्पिटल और CMO साहब के सहयोग से CHC के नेत्र सर्जन यहाँ पर आए हुए हैं जो कि चालकों का नेत्र परीक्षण कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य एक गुडविल जेस्चर ऑटो और ई चालकों के बीच में पैदा करना है और सुरक्षित यातायात आम नागरिकों को मुहैया कराना है, क्योंकि अगर हमारे सेवा देने वाले चालक लोगों की आंखें स्वस्थ होंगी, शरीर स्वस्थ होगा तो इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसी के साथ साथ हमने बेसिक यातायात के नियमों के बारे में भी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों का पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन और हम सफर ई रिक्शा एसोसिएशन के माध्यम से चालकों के लिए हमने यातायात नियमों के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि सुरक्षित यातायात की इस मुहिम में हमारा साथ दें ताकि गोरखपुर के लिए एक सुरक्षित यातायात वाला शहर बनाया जा सके। थैंक यू।